हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान ये केस आपको लेकर आया हूँ। किसी किसान के द्वारा ये केस की वीडियो बनाकर भेजी गई थी, उसका ट्रीटमेंट बताया गया था, वो 100% भैंस ठीक हो गई थी। क्या ट्रीटमेंट बताया गया था वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये गंभीर बीमारी है पशुओं की, इसमें पशु बिल्कुल बेकार हो जाता है, चारा खाना छोड़ देता है, लगातार पूंछ उठा के जोर मारता रहता है, पिछले पैरों को जोर मार मार के जो रस्सी बांधी जाती है रस्सी को भी कभी कभी तोड़ देता है। जो पशु दूध दे रहा है और अगर ये कंडीशन उस पशु को हो जाए तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अगर कोई एडवांस प्रेग्नेंट में अगर ये हो जाता है तो समय से पहले बच्चा भी भैंस गिरा देती है या एबॉर्शन हो जाता है। इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए, इस कंडीशन में होता क्या होगा, इस कंडीशन में या तो बच्चा अपनी जगह से हट जाता है, वो टॉर्सन हो सकता है या वैसी अपनी जगह से बच्चे का डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपनी जगह से हट गया, तब ये कंडीशन डेवलप होती है, या भैंस ब्याने के बाद अंबर फेंक गई, बच्चेदानी बाहर आ गई, यूट्राइन टॉर्सन हो गया, उसमें जो बच्चे प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गई, प्रोलैप्स में जब प्रोलैप्स मास बाहर आ गया तो उसको जब अंदर करते हैं तो वो सही तरीके से फिट नहीं हो पाता है, या यूट्रस में गंदगी भर जाती है, मेट्राइटिस के केस में ऐसा होता है। तो इसका पहले तो मैं देसी इलाज बताना चाह रहा हूँ। इसका देसी इलाज है खाने का सोडा 50 ग्राम, एक ही खुराक में ठीक हो जाता है, जिसका नाम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। आप दीजिए, अगर नहीं ठीक हो तो इसको रिपीट 12 घंटे के बाद कर सकते हैं। दूसरा है इसका इंजेक्शन का इलाज। पहला इंजेक्शन इसको सेफ्टी फोर सोडियम 1 ग्राम, जो एक्सिल नाम से भी बाजार में मिल जाता है। दूसरा इंजेक्शन सिकिल 5 ml, और तीसरा इंजेक्शन इसके लिए आप लगाओगे एनालजीन, जो वेटालजीन के नाम से 30 ml मार्केट में उपलब्ध है और हर जगह ये मिल जाता है। आप ये तीनों इंजेक्शन 3 दिन तक लगाएंगे। पहला दिन लगाएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन और उससे अगले दिन लगाएंगे ताकि परमानेंट तरीके से ये ठीक हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़े। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस तरीके से हमें इलाज करना है, किस तरीके से इलाज नहीं करना है। इसको आप देखते रहिएगा और इसका लाभ उठाते रहिएगा। छोटी सी चीज़ है, छोटा सा इलाज है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि ताकि आप समय रहते हुए इसका इलाज करें, और समय रहते हुए जब इलाज करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपके सामने आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आदाब।